हेलो गाइस, कैसे हो अब लोग? सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ पोपोस्ट एडिटिंग, मस्ट एडिटिंग है। मेरा जैसा एडिटिंग करना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और जो भाई न्यू है मेरा चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए करना बोलते हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ डाउनलोड करता हूँ, इसलिए रात में जगकर बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है, इसलिए बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा अच्छा टोटल वीडियो आने वाली है, ठीक है ना। चॉकलेट डे की सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। इस मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लग दीजिए, पहले इसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। और इस जब भी तुम एडिट करना चाहती हो, एडिट करोगे पिक्सल पर एडिट करोगे तो इस तरह फीका फेंका लगेगा। जब भी तुम लाइटरूम पर जाएगा तो इस तरह असम लुक आ जाएगा। देखो कितना असम लुक है, इस तरह असम लुक आ जाएगा। देखो इस तरह फीका फीका, इस तरह देखो कितना एडिटिंग करा, एडजस्टमेंट किया, सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो का अंत तक देखो, पूरा देखो, मालूम हो जाएगा। तब बैकग्राउंड PNG डाउनलोड करना, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना। ना लोग कुछ नहीं समझाएगा। चलो शुरू करता हूँ। पिक्सल आर्ट ओपन करके इस वाली बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। इस वाली बैकग्राउंड को जो भी मैं इस करूँगा बैकग्राउंड PNG, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। फिर मैं जाऊंगा ऐड फोटो में जाकर एक PNG ऐड करूंगा, मॉडल PNG को ऐड करके इसको अच्छी तरह से सेट कर लूंगा, इस तरह, ठीक है ना। और जो फ्रेंड तुमको मेरा पहले से बैकग्राउंड इरेज है, तुम्हारे यदि बैकग्राउंड इरेज नहीं है, तुमको इरेज नहीं आता है तो मेरा वीडियो देखना, उस तरह फुल HD बैकग्राउंड इरेज किस तरह होता है मैं देखा दिया, तुम देख लेना, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, देख लेना। मैं पहले से बैकग्राउंड इरेज कर दिया, इस तरह लगा दूंगा, फुल अच्छी तरह से सेट कर लूंगा, इतना ही काफ़ी है। हाँ ठीक है, इतना और नहीं, इतना ही काफ़ी है। इसको डन कर देता हूँ। डन करके फिर मैं ऐड फोटो में जाकर गर्ल्स PNG ऐड करूँगा। गर्ल्स PNG को ऐड करके इसको रोटेट कर लूँगा, इसको रोटेट करके इसको रोटेट कर लूँगा, इस तरह रोटेट कर लेगा, ठीक है ना। इस तरह रोटेट करके देखो इसको अच्छी तरह से बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है ना। ऐसी लगना चाहिए मुझे, मैं उसको प्रपोज करने वाले हूँ, ठीक है ना। ऐसी खड़ा करनी है, फेक जो नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। इतना नहीं, और भी बड़ा कर देता हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। डन कर देता हूँ। फिर मैं जाऊँगा ऐड फोटो पर। ऐड फोटो में जाकर एक रोज़ वाली PNG को ऐड करूँगा। रोज़ वाली PNG को ऐड करके जो रे वो रोज़ है वो मेरे हेड में लगाने देखना, सेट कर देता हूँ। जब भी प्रपोज करने कोई जाता है तो रोज़ ही लेता है, ठीक है ना। तुम भी लेना तो फेक भावेगा। उसको इरेज कर लेता हूँ। इसको अच्छी तरह से इरेज कर लिया। देखो ऐसा लग रहा है मुझे रोज लेकर उसको प्रपोज करने वाली हो, ठीक है ना। फिर मैं जाऊंगा ऐड फोटो पर, एक साइकिल का PNG लूंगा, साइकिल रिंग PNG का, उसको ऐड करूंगा। उसको ऐड करने के एक अलादा तारीख लुक आ जाएगा बैकग्राउंड का साथ। देखो इसको अच्छी तरह से सेट कर लूंगा, इस तरह
अच्छी तरह से सेट कर लिया और बड़ा कर दिया। अरे मेरा इंटरनेट ऑन है, इसको ऑफ कर दो। मेरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, इसको अच्छी तरह से सेट करके यहाँ पर डन कर दिया। देखो कितना लूग आ गया, देखो बैकग्राउंड के साथ। फिर मैं जाऊँगा ऐड फोटो पर, एक टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करूँगा, वो है आई लव यू, ठीक है ना। तुम आई लव यू लगा सकती हो और भी कुछ लगा सकती हो, ठीक है ना। मेरा जैसे लगाना सकते हो तो कुछ बात नहीं है, मैं तो ये भी लगा दूंगा आई लव यू। यहाँ पर सेट कर देता हूँ, देते हैं काफी, बहुत जल्दी कर लिया, ठीक है ना, इस वाली बहुत जल्दी कर लिया। फिर मैं जाऊँगा ड्रॉ वाली ऑप्शन पर, ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाकर इसमें थ्री डॉट में टच करके इसको सेप इमेज पे कर लूँगा। फिर मैं जाऊँगा कलर एडजस्टमेंट करूँगा लाइट रूम पर, देख लीजिए ठीक है ना कैसे करता हूँ, क्या क्या करता हूँ। लाइट रूम पर आ गया, ठीक है ना, लाइट रूम पर आ गया। ओपन कर लेना फोटो को, कलर में जाकर इसको 1 पॉइंट बढ़ा लेगा, कॉन्टेस्ट को कम कर दूंगा, इतना ही कम कर दूंगा। हाईलाइट को बढ़ा दूंगा 2% कर लूंगा, सॉरी हाईलाइट को कम कर देता हूं, इतना ही काफ़ी है, इतना कम कर देता हूं। शेडो को बढ़ा देता हूं और वाइट को वाइट बढ़ा देता हूं 16 से 17%। ब्लैक को भी बढ़ा देता हूं, ब्लैक को माइनस कर देता हूं 25%, ठीक है ना, इतना काफ़ी है, इसलिए डन कर देता हूं। कलर में जाकर वीपीएस बढ़ाना है 21%, थोड़ा सा सैचुरेशन डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर इसको भी कम, इतना नहीं, इतना काफ़ी है, इतना कर लेते हैं, ठीक है ना, 7%, 7 माइनस, ठीक है ना। इसके बाद इफेक्ट में जाकर इस में जाकर इसको भी बढ़ा देता हूँ, क्लैरिटी को बढ़ा देता हूँ, ड्यू को भी बढ़ा देता हूँ और भिकनेट को भी कम कर लेता हूँ 71 to 9, ठीक है ना, इतना काफ़ी है। फिर मैं जाऊँगा इसका सरमेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। इसके यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे मास्किंग, इसको भी बड़ा, इतना नहीं है, 12% 13 हो गया, इतना काफ़ी है। नॉइज़ डेंसिटी का बढ़ा देंगे 30% बढ़ा देते, इतना बढ़ा देते हैं। कलर नॉइज़ को बढ़ा देंगे इसको, इतना ही, ठीक है ना, 30%। डिटेल को बढ़ा देते हैं, इतना, देखो क्या ऐसा लुक आ गया है, देखो कलर एडजस्टमेंट हो गया है, इस तरह फीका फीका लगता है। जब भी कलर में एडजस्टमेंट करोगे तो इस तरह ऑसम लुक आ जाएगा, ठीक है ना, ऑसम लुक माने बैकग्राउंड का अच्छी तरह एडिटिंग हो जाती है, ठीक है ना, बैकग्राउंड साथ मैच हो जाती है। हमारा एडिटिंग कंप्लीट है, इसलिए एक थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं चलता हूँ सिलेक्टिव टूल पर, यहाँ पर जाकर सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जो रिंग वाली है टायर उसको भी ब्लॉक कर देता हूँ, इसको भी काम कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है, इसको इतना ही रख देता हूँ। देखो कितना अच्छा लुक आ गया, देखो यहाँ पर डन कर देता हूँ, ऐसे थी ऐसा हो गया, ठीक है ना, देखो कलर एडजस्टमेंट हो गया, देखो ऐसा हो गया, देखो। फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं जाता हूँ, एक वीडियो आने वाली है चॉकलेट डे पर, ठीक है ना, अपडेट मिल जाएगा। कितना ऑसम एडिट हो गया, देखो फुल एचडी में एडिट हुआ, देखो ठीक है ना, मोबाइल से, अब भी मोबाइल से करती हो तो कर ले सकती हो, मेरा जैसा जो एडिट करना चाहती हो तो कर लेना, ठीक है ना। इसको सेव कर लेता हूँ, सेव टू डिवाइस करके इसको सेव कर लेता हूँ,
Ugh.